हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सब के बीच। देखिए, आपको मालूम होगा कि बीएड सेकेंड ईयर में जो कोर्स 11 है वो ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल करने का मतलब उसमें 3-4 कोर्स है, आप उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, समझे। तो देखिए, ज़्यादातर कॉलेज में बिहार यूनिवर्सिटी या जितना है मिथिला या जो भी यूनिवर्सिटी हो, ज़्यादातर कॉलेज में आपका ऑप्शनल पेपर के रूप में गाइडेंस और काउंसलिंग या आपका फिजिकल एजुकेशन लिया जाता है, समझे। तो देखिए, हम दो मतलब फिजिकल पीज उसमें पीस एजुकेशन भी होता है और भी है, तो ज़्यादातर कॉलेज में चलता है आपका गाइडेंस और काउंसलिंग और आपका फिजिकल एजुकेशन, समझे। तो देखिए, आज हम गाइडेंस और काउंसलिंग का देखिए VBI क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए, और अगला बार हम लेके आए फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन लेके आएंगे, समझे, कि दो के बारे में हम पूरा आपका तैयारी कराएंगे, समझे। तो देखिए, आपका जो गाइडेंस और काउंसलिंग का जो कोड है C11D है, समझे, क्या है C11D है, याद रखिएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन इसमें है कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति, क्षेत्र और आवश्यकताओं का वर्णन करें। देखिए, इंग्लिश है कि व्हाट इज अंडर इंग्लिश, इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज गाइडनेस डिस्कर्स इट नेचर स्कोप एंड नीड्स, समझे। देखिए, निर्देशन क्या होता है, पहले हम सिंपल लैंग्वेज आपको बताते हैं, समझे, एकदम समझ। देखिए, कोई चीज़ समझ जाइएगा ना तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं, समझिएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। लेकिन निर्देशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई समस्या से हैं, जैसे मान लीजिए हमको बीएड से मान लीजिए रिलेटेड कोई समस्या हुआ, तो हमारे जो बीएड जो कर लिए हैं उनसे हम चाहे कोई समस्या के बारे में पूछें कि देखिए ना मेरा, जी सिंपल समझिएगा कि मान लीजिए मेरा मेथड पेपर मान लीजिए साइकोलॉजी है, तो देखिए साइकोलॉजी मेथड नहीं होता है, समझे, मेथड मतलब सब्जेक्ट नहीं है, तो हमको दिक्कत हो गया कि हमको कौन मेथड मिलेगा, तो हम जाके अपने बड़े भाई जो बीएड किए हुए उनसे हम पता करेंगे या सर से पूछेंगे, समझे। तो वो बताएंगे कि देखिए आप साइकोलॉजी नहीं है तो सब्जेक्टी में कोई आपका सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री होगा या ज्योग्राफी होगा, वो आप ले लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री आपका मेथड होता है। तो देखिए, यहाँ कहने का मतलब यही आपका क्या हुआ, निर्देशन हुआ। निर्देशन कहने का मतलब हुआ कि आपको सहायता प्रदान किया जाता है, मतलब निर्देशन का मतलब क्या होता है कि सहायता प्रदान किया जाता है। तो आपका कोई भी क्षेत्र हो, वो शैक्षिक क्षेत्र हो सकता है, वो सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, वो व्यवहारिक क्षेत्र या आपका कोई भी क्षेत्र हो सकता है, समझे, या व्यवसायिक क्षेत्र हो सकता है, कोई भी क्षेत्र में आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र में आप निर्देशन किसी से ले सकते हैं। तो निर्देशन का मतलब होता है कि सहायता या सलाह लेना, मतलब देना, मतलब जो देगा, जो ले रहा है वो लेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि निर्देशन से क्या हमको मिलता है, सहायता या सलाह मिलता है कि आप ऐसे कीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि उनका आप सहायता या सलाह मान ही लीजिए, यार ये जो निर्देशन होता है ये किसी पर थोपा नहीं जाता है, समझे। लेकिन देखिए, अब निर्देशन और जो आपका निर्देश है दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए, निर्देश का मतलब होता है आदेश देना, जैसे मान लीजिए सरकार कह दिया कि नहीं आपको ये निर्देश मानना है, कोरोना का गाइडलाइन है कि आपको ये निर्देश मानना है कि आपको 6 से मतलब 9 बजे तक दुकान खुलना है, मान लीजिए सिंपल समझिए कि 6 बजे से 9 बजे दुकान खुलना है, तो ये आपको 6 से 9 बजे ये आदेश हुआ, निर्देशन आदेश नहीं हुआ, ये सलाह हुआ, समझे। लेकिन आपका जो निर्देश होता है वो क्या होता है, एक आदेश होता है, समझे। तो ये दोनों में यही अंतर है, समझे, निर्देशन और निर्देश में क्या अंतर है, समझ गए कि निर्देशन क्या होता है, एक सलाह या सहायता है, तो वही निर्देश क्या है, एक आपका मतलब आदेश है कि ये चीज़ आपको मानना है, समझे, ये चीज़ आपको कैसे हो मानना है, समझे। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो समझ गए होंगे कि निर्देशन क्या है, कि सिंपल आपको जो सहायता मिलता है बड़े से, बड़े बुजुर्गों से, अनुभवी आदमी से, वही आपका क्या होता है कि आपका निर्देशन होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है प्रस्तावना में कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक एवं विवेकशील प्राणी है। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि हम लोग क्या है, एक सामाजिक सोशल वर्ग, मतलब सोशल एनिमल है। एक कौन कहा था, आपका अरस्तु कहा था, याद रखिएगा कि आपका जो एक कौन कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो याद रखिएगा आपका अरस्तु कहा था। तो वही कह रहा है कि कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, सामाजिक एवं विवेकशील प्राणी है, यह हमेशा अपने एवं अपने समाज के विकास के प्रति प्रयासरत रहता है। तो मतलब कैसे हमारा समाज का विकास हो गया या मेरा कैसे विकास होगा, देखिएगा एक और चीज़ है, आप जिस समाज में रहते होंगे कोई भी आदमी स्थिर नहीं है। मान लीजिए कोई 5 रुपया कमा रहा है तो सोचता है हम 10 रुपया कैसे कमाएं, 10 रुपया कमा रहा है सोचता है 20 रुपया कैसे कमाएं, कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है तो कहता है कि हम अब कार से कैसे चले, जो साइकिल से चल रहा है वो सोचता है कि हम मेरे पास मतलब मोटरसाइकिल कैसे आए। मतलब यह कहने का मतलब कि व्यक्ति अपने मतलब समाज के विकास या अपने विकास के लिए क्या करता है, हमेशा प्रयासरत रहता है। यही कारण है कि मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, जो अपने विकास, अब गाय भैंसी है वो कहाँ जाने कि हमको क्या विकास करना है, उसको उसके पास तो विवेक मतलब बुद्धि है नहीं, विवेक नहीं है। तो यही कह रहा है कि यही कारण है कि मनुष्य क्या है, संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य के श्रेष्ठता के साथ साथ ये भी सत्य है कि संपूर्ण मानव जीवन में भिन्न भिन्न समस्याओं से घिरा हुआ। मान लीजिए आप वो काम कोई कीजिएगा, अब मोटरसाइकिल से आपको कार पर चढ़ना है तो उसके लिए तो आप कोई काम करना होगा, और काम कीजिएगा तो कोई ना कोई समस्या आएगा। मान लीजिए आप
आपको बड़का बिजनेसमैन बनना है तो मान लीजिए कोई आप अति कीजिएगा तो किसी ना किसी से सलाह लीजिएगा ना कि हम कैसे करें तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वही कह रहा है कि मनुष्य में श्रेष्ठता के साथ साथ ये भी सत्य है कि संपूर्ण मानव जीवन भिन्न भिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सभी मनुष्य को इन समस्याओं की अनुभूति एक जैसा नहीं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता करने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार सोचता है, कोई 5 रुपये कमाना चाहता है, कोई 10 रुपये कमाना चाहता है। जो 5 रुपये कमाएगा उसको कम समस्या होगा, जो 10 रुपये कमाएगा उसको ज़्यादा रिस्क लेना होगा। तो ये क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सभी मनुष्यों के इन समस्याओं की अनुभूति एक जैसा नहीं होती है। कुछ व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान करने में खुद को सक्षम महसूस करता है, मतलब इस समस्या का हम समाधान खुद कर लेंगे। तो कुछ व्यक्ति इन समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, मतलब दूसरा व्यक्ति से निर्भर होता है कि इसका कोई मान लीजिए किसी का ज़मीन है कोई हड़प लिया समझे, तो मान लीजिए अब अपना उसका बैकग्राउंड अच्छा होगा तो अपने क्या करेगा उसका समाधान कर लेगा, कमज़ोर होगा तो क्या उसके बारे में उसका जानकारी नहीं होगा समझे, तो किसी दूसरे से मतलब जाएगा सलाह लेने की इसका क्या उपाय किया जाए समझे। वर्तमान समय के भौतिकवादी युग में या देखिए भौतिकवादी युग देखते हैं कि दिन मतलब भौतिकवादी मतलब अभी का जो समय चल रहा है ना इसमें आदि मतलब अपने आप में मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब बिजी है समझे। तो वही कह रहा है कि वर्तमान समय के भौतिकवादी युग में या संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, देखिए पहले जब संयुक्त परिवार था तो कोई आदमी कुछ होता था अपने दादा या किसी से मतलब से पूछता उछता था, अभी क्या है कि संयुक्त परिवार बहुत न मात्रा में समझे, तो कोई के क्या दिक्कत होता है तो वो अपने परिवार में बताता किसी को नहीं है, कोई है नहीं मतलब अथी करने वाला, तो क्या होता है वो मतलब और तनावग्रस्त हो जाता है। तो वही कह रहा है कि वर्तमान समय के भौतिकवादी युग में या संयुक्त परिवार के विघटन मतलब टूटना विघटन के कारण मनुष्य का जीवन तनावग्रस्त हो गया, तनावग्रस्त मतलब बहुत टेंशन में रहता है समझे, तनावग्रस्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्या चुनौतीपूर्ण बन गया है जिसके समाधान के लिए व्यक्ति को समस्या संबंधित किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो समस्या उसको आ गया जिसे तनावग्रस्त हो गया तो उसके समाधान के लिए क्या हो गया कि जिसके समाधान के लिए व्यक्ति को समस्या से संबंधित किसी उस समस्या से जो संबंधित व्यक्ति होगा उसी के ना पास जाएगा, जो बीएड किया होगा बीएड वाला ना आदमी बताएगा कि बीएड से रिलेटेड कोई समस्या होगा। तो यही कह रहा है कि किसी व्यक्ति को समस्या से संबंधित किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अतः किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सहायता ही निर्देशन कराते हैं। देखिए निर्देशन को हम मार्गदर्शन भी कह सकते हैं समझे, निर्देशन को हम लोग क्या कह सकते हैं मार्गदर्शन भी कह सकते हैं। यही कह रहा है कि अतः किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा मान लीजिए इसका बीएड में अनुभव होगा हमको बीएड से रिलेटेड कोई दिक्कत होगा तो वही ना बताएगा परिस्थिति में, तो उससे जो पढ़ा हुआ होगा बीएड किया होगा वही ना बताएगा इसके बारे में। तो वही कह रहा है किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सहायता ही निर्देशन कहलाती है। अब देखते हैं निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ गाइडेंस। लिखा है निर्देशन का समान अर्थ होता है कि दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना। देखिए यहाँ कहने का मतलब हुआ कि दिशा दिखाना या निर्देश देना, निर्देश देने का मतलब हुआ कि एक मतलब सलाह या सहायता देना समझे, निर्देश देने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप उसको आदेश दे रहे हैं कि काम करवे करो तू समझे, निर्देशन का मतलब होता है कि आप उसको सलाह दिए वो माने चाहे ना माने समझे, आप उस पर थोप नहीं सकते हैं, लेकिन निर्देश किसी को आप दे दीजिएगा कि काम तुमको करना है, जैसे सरकार कह दिया है कोरोना में आपको 9 बजे से 8 बजे मतलब 9 बजे से लेकर आपको 4 बजे शाम तक दुकान खुलना है तो आप इतने के बीच खुलेगा, आप नहीं आदेश मानिएगा तो आपका कार्रवाई भी हो सकता है समझे। तो निर्देश का मतलब होता है आदेश और निर्देशन का मतलब क्या होता है सहायता या सलाह, याद रखिए। अतः निर्देशन से तात्पर्य है कि किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से है, यह सहायता या सलाह नैतिक शैक्षिक आध्यात्मिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है, मतलब जो प्रशिक्षित होगा वही ना देगा, प्रशिक्षित कौन होगा जो बड़ा होगा वही देगा। तो वही कह रहा है कि अतः निर्देशन से तात्पर्य है कि किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से यह सहायता या सलाह नैतिक क्षेत्र में भी दे सकता है, शैक्षिक एजुकेशनल क्षेत्र में दे सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में दे सकता है तथा व्यवसायिक कोई भी क्षेत्र में देता है, व्यवसायिक क्षेत्र में बड़ों के द्वारा छोटे को दी जाती है। फिर लिखा है विभिन्न समाज सेवी एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर निर्देशन की निम्नलिखित परिभाषा दिए हैं। पहला परिभाषा है सेले हेमरिन के अनुसार, देखिए इसमें 5-6 परिभाषा होगा, आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में 1, 2, 3 आप लिख सकते हैं समझे। सेले हेमरिन के अनुसार बोला जा रहा है कि व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके निर्देशन कहलाता है। कह रहा है कि देखिए आपके अंदर कौन चीज़ है, मान लीजिए आपको आप सिंपल समझिए आप क्रिकेट में बहुत अच्छा है सिंपल समझिएगा, तो आप मान लीजिए आपका पापा करेंगे नहीं आप इंजीनियरिंग करो डॉक्टर बनो तो वो कब वो अच्छा नहीं कर सकता है, तो वही
निर्देशन में क्या होता है कि उसको बोला जाता है कि तुम क्रिकेट में बहुत अच्छा हो, तुम क्रिकेट खेलो, मतलब एक अच्छा सलाह दिया जाता है जिससे उसको अंदर मतलब उसका क्या किया जाता है कि उसके मतलब स्वयं को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, सहायता किया जाता है कि तुम क्या हो, तुम किस चीज़ में अच्छा जा सक, अच्छा मतलब अच्छा फील्ड में जा सकते हो, मतलब अच्छा चीज़ कर सकते हो किस क्षेत्र में। तो वही कह रहा है कि व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, मतलब आगे बढ़ सके, वही क्या होता है आपका निर्देशन कहलाता है। और जरूरी नहीं कि निर्देशन थोपा नहीं जाता है, समझे, वो सलाह देगा कि आप अच्छा कर लीजिए, फिर आप अपना आत्मचिंतन कीजिए कि हम क्या है क्या नहीं है। तो वही कह रहा है। दूसरा है स्किनर के अनुसार कि मनुष्य को अपने प्रति, दूसरों के प्रति एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने की प्रक्रिया ही निर्देशन कहलाती है। कह रहा है स्किनर जो है कि मनुष्य को अपने प्रति, दूसरों के प्रति एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निर्देशन कहलाती है। जो हम समायोजन कर लेते हैं वही निर्देशन है। तीसरा है आपका जेम्स के अनुसार, निर्देशन का तात्पर्य किसी व्यक्ति को संकेत करना, दिशा दिखाना एवं मार्गदर्शन करने से है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि निर्देशन का तात्पर्य किसी व्यक्ति को संकेत करना, दिशा दिखाना एवं मार्गदर्शन करने से है। फिर आपका चौथा है आपका लिफियर के अनुसार, निर्देशन एक ऐसी शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त शिक्षा के तुलना में अधिक प्रभावशाली है। देखिए निर्देशन भी बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए शिक्षा तो सबको बराबर दिया जाता है विद्यालय, लेकिन आप किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते हैं, किस क्षेत्र में आपका ज़्यादा रुचि है, उसी में क्या किया जाता है कि निर्देश देकर कि हाँ बच्चा इसमें, तो उसी में जाएगा। फिर आपका है ब्रीवर के अनुसार कि निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में आत्मनिर्देशन की क्षमता का विकास करता है। तो इसमें आप 5 डिफिनेशन है, कोई 2-3 लिख सकते हैं एग्जाम में। तीसरा आपका अब आगे है निर्देशन की विशेषताएँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाइडनेस लिखा हुआ है। निर्देशन की निम्नलिखित विशेषता है, पहला है निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार किया जाता है कि आप उसमें कैसे ढल पाएंगे, समझे। दूसरा आपका है कि निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्यों, ज्ञान कौशल तथा व्यक्तित्व का विकास करना। तीसरा है आपका कि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जीवन भर चलते रहता है, हमेशा आप किसी बूढ़ा व्यक्ति भी किसी न किसी सलाह लेते रहता है, समझे। और देखिए ये दोनों को समझा दें, निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार, समायोजन मतलब कि आप निर्देशन दिया जाए कि आप वहाँ पर रहिए, मतलब एक समायोजन मतलब वहाँ रहने लायक बनाया जाता है। दूसरा था निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्य, मतलब जो उसका आधारभूत बेसिक जो लक्ष्य है, ज्ञान है कौशल है तथा व्यक्तित्व का विकास, मतलब पर्सनैलिटी का विकास करना है। तीसरा तो बता ही दिए। चौथा है निर्देशन व्यक्ति को सर्वांगीण विकास पर बल, सर्वांगीण मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है कि आपके अंदर जो कला है उसका विकास करवाता है। पांचवा है कि निर्देशन समस्या का हल नहीं करता है जबकि यह व्यक्ति को स्वयं हल करने के लिए अभिप्रेरित करता है, मतलब बता दिया आप ऐसे ऐसे कीजिए, फिर आप क्या करते हैं कि स्वयं आप जाके उसको करते कि ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये हल नहीं है निर्देशन, ये बताता है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या आगे लिखा, निर्देशन व्यक्ति को स्वयं समझने में सहायता करता, स्वयं हम क्या है वो समझने में सहायता करता कि हम क्या बन सकते हैं। मान लीजिए कोई IAS बनना चाहता है, उसको कहेगा कि ना तुम ई करो वो करो, सबका अपना अपना क्षेत्र है। फिर क्या है, निर्देशन व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रवृत्ति तथा अपने प्रति उत्तरदायित्व बनाने की योग्यता में वृद्धि करता है। अगला है निर्देशन की प्रक्रिया समग्र जीवन से संबंधित, समग्र जीवन मतलब पूरे जीवन से संबंधित है। फिर लिखना है निर्देशन की प्रकृति, नेचर ऑफ गाइडनेस लिखा है। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति को सहायता करना मानव का स्वभाव है, मतलब सहायता करना क्या है, मानव का स्वभाव है। मानव के इस स्वभाव से निर्देशन को जन्म दिया। निर्देशन के प्रकृति से तात्पर्य यह है कि निर्देशन मानव के स्वभाव से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जो व्यक्तियों को तत्कालीन परिस्थितियों में समायोजन करने में सकारात्मक सहयोग प्रदान करता है। यहाँ कहने का मतलब हुआ, देखिए जो मानव है ना, मानव है उसमें जो सहायता करने की जो प्रवृत्ति होती है ना वो स्वाभाविक है, समझे। तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति को सहायता प्रदान करना मानव का स्वभाव है, मानव इस स्वभाव ने ही निर्देशन को जन्म दिया है, मतलब निर्देशन मतलब उसको सलाह देना है, समझे, इसी को क्या दिया है, यही ने निर्देशन को जन्म दिया है। निर्देशन के प्रकृति से तात्पर्य यह है कि निर्देशन मानव के स्वभाव से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जो व्यक्तियों को तत्कालीन परिस्थितियों में समायोजन करने में सकारात्मक सहयोग प्रदान करता है। निर्देशन के प्रकृति का आधार दर्शन है। मनुष्य का स्वभाव प्राकृतिक रूप से अन्य व्यक्तियों की कठिनाई एवं समस्या समाधान में स्वयं को तत्पर रखता है। निर्देशन की प्रकृति निम्न है। पहला, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया, मतलब गाइडनेस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लिखा है, निर्देशन एक प्रक्रिया है जो जीवन के प्रत्येक अवस्था में निरंतर चलती है, मतलब आपको कोई ना कोई अवस्था की जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा निर्देशन की। इसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा सामाजिक समायोजन में सहायता करना है। दूसरा आपका निर्देशन स्वयं में शिक्षा है, मतलब गाइडनेस एजुकेशन इट सेल्फ। कराए कि निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं समझने के लिए शिक्षित करना है तथा उसकी क्षमताओं का ऐसा खुलासा करना है कि वह स्वयं को समायोजित कर सके।
तीसरा आपका है कि निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया, मतलब गाइडेंस इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस। लिखा है निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया है जिसमें सभी संस्थाओं का सहयोग आवश्यक है। इसमें माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। फिर अगला का है आपका चौथा कि क्षमताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी। निर्देशन में व्यक्ति की सहायता स्वयं की क्षमताओं से परिचित होने और उनके विकसित करने के लिए होता है। आप क्या चीज़ है उसको जानने के लिए निर्देश दिया जाता है। फिर आपका पांचवा है कि निर्देशन थोपा नहीं जाता है, मतलब गाइडेंस इज नॉट इम्पोज। लिखा है कि निर्देशन में व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि वह अवबोधक, मतलब होता है निर्देश जो देता है, मतलब निर्देश देता है, निर्देशनदाता के परामर्श को स्वीकार करे अथवा नहीं करे, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब थोपा नहीं जा सकता है। फिर छठा है आपका कि आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास। लिखा है निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति में स्वनिर्देशन की शक्ति को स्वनिर्देशन की शक्ति की योग्यता का विकास करके उसमें उसको निर्देशन हेतु आत्मनिर्भर बनाती है। फिर आपका सातवां है कि निर्देशन व्यक्तिक सहायता है, मतलब गाइडेंस इन द पर्सनल असिस्टेंट। लिखा है निर्देशन से व्यक्ति को व्यक्तिगत सहायता मिलती है। अब आइए देखते हैं निर्देशन का क्षेत्र। लिखा है स्कोप ऑफ गाइडनेस। लिखा है हम जानते हैं कि निर्देशन का कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक, मतलब बहुत बड़ा है। यह मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों से संबंध रखता है, मतलब जुड़ा हुआ है। निर्देशन के अंतर्गत धर्म, जाति, संस्कृति, लिंग एवं आयु के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, मतलब किसी के इस मतलब आप धर्म, जाति, संस्कृति, लिंग, आयु के आधार पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। निर्देशन के क्षेत्र में वे सभी तकनीक भी शामिल है जो निर्देशन के अंतर्गत इसमें प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाने में अहम सहयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम समस्याओं का समाधान करके हम अपने सभी क्षेत्रों में प्रगति पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि निर्देशन के क्षेत्र में वो सभी तकनीक भी शामिल हो जाते हैं जो निर्देशन के अंतर्गत उसके प्रक्रियाओं क्या बनाते हैं, उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। फिर लिखा आता निर्देशन के अंतर्गत आने वाली प्रमुख क्षेत्र निम्न है। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, आदमी को पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए। शैक्षिक निर्देशन, मतलब एजुकेशन गाइडेंस भी चाहिए। तीसरा है व्यवसायिक, मतलब वोकेशनल गाइडेंस भी चाहिए, अपने क्षेत्र में कैसे अच्छा बिजनेस कर सके। चौथा है आपका स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, मतलब हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस भी चाहिए। सामाजिक निर्देशन, मतलब सोशल, मतलब कैसे हम समाज में रह सके, सोशल गाइडेंस भी चाहिए। यौन संबंधी निर्देशन, मतलब सेक्स रिलेटेड गाइडेंस भी चाहिए आदमी को। अवकाश संबंधी निर्देशन, मतलब लीजर रिलेटेड गाइडेंस, मतलब ये सब मतलब क्षेत्र है, मतलब इसका और भी है इतना, मतलब इंपॉर्टेंट है। फिर निर्देशन की आवश्यकता, मतलब नीड ऑफ गाइडेंस। लिखा हुआ है कि वर्तमान युग में वैज्ञानिक प्रगति, यांत्रिक विकास और भूमंडलीय, मतलब वैश्वीकरण के कारण मानव जीवन अत्यधिक जटिल बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन के विविध पक्ष अर्थात व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यवसायिक, सामाजिक आदि सभी में समस्या पैदा हो रही है। इनके समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की परंपरा प्राचीन काल में निरंतर चलता आ रहा है। आज भारत जैसे विकासशील देशों में जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका एकमात्र कारण पर्याप्त निर्देशन का अभाव है। अतः निर्देशन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला है व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता। दूसरा है सामाजिक समायोजन हेतु निर्देशन की आवश्यकता। राजनीतिक निर्देशन की आवश्यकता। चौथा है उपयुक्त शिक्षा हेतु शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। पांचवा है आपका मानव के व्यवहारों में अध्ययन हेतु मनोवैज्ञानिक निर्देशन की आवश्यकता। तो ये आपका आवश्यकता हो गया। देखिए अब इसके अलावा आप जो बच गया आपका, देखिए इसका पार्ट टू लेंगे। देखिए निष्कर्ष इसमें नहीं लिखा था, पार्ट टू निर्देशन के लाएंगे जिसमें उसमें बताएंगे कि निर्देशन के क्या महत्व है, निर्देशन का क्या कार्य है, फिर निर्देशन के क्या सिद्धांत है, ये सब चीज़ उसमें बताएंगे, समझे। तो उसमें हम निष्कर्ष देंगे, समझे। तो ये पार्ट वन हो गया, पार्ट टू आपका आएंगे तो उसमें निर्देशन पूरा हो जाएगा। लेकिन निर्देशन से आपका क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा गाइडेंस काउंसलिंग में, समझे, आपका यूनिट वन में। तो इसीलिए निर्देशन को थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू।